हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जोहरी। आप सब लोग कैसे हो? आई होप यार आप सब लोग सही सलामत है। मैं मेरे गॉड के पास दुआ करती हूँ एंड बिलीव भी करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड लोग सही सलामत है। गॉड और लोग को हेल्प करे, और लोग का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दे और सही ही राह पे लेकर जाइए भी मैं दुआ करती हूँ और बिलीव भी करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर में शादी का था ना, उसी के बारे में मैंने आप लोग को शेयर कर रही हूँ। एंड मेरी चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग फ्रेंड लोग के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ मेरी चैनल को। एंड प्लीज़ मुझे आज की वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ मुझे लगेगा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो, और शुरू भी ऑलरेडी हुआ है। और ये हमारे पेंटिंग में था इसलिए मैंने सब वीडियो थोड़ा थोड़ा कैच कर ली हूँ। और ये मेहंदी का टाइम था, वो हमारी विलेज है ना, इतना ज़्यादा नहीं करते लेकिन बस थोड़ा सा मैंने कैच कर ली। मेरी फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए फ़ोन का चार्जर नहीं था, मैंने लेके जाना भूल गई थी इसलिए मैं बस थोड़ा वो कैच कर ली। और ये दामाद लोग उसका आने का बाद हमारा ऐसे बैठक बैठता है, मीटिंग होता है दोनों तरफ से, दामाद का फैमिली लोग, दूल्हा का फैमिली लोग और हमारा दुल्हन का फैमिली लोग सब बैठ के ये सब ऐसे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। और लड़की लोग के लिए जो जो सब कुछ लेकर आया दूल्हा मतलब वो दामाद, वो सब उसमें भद्र व्यक्ति लोग का सामने प्रेजेंट करना है, देना है, ऐसे है। ये सब हम बैठ के ऐसे बातचीत करते हैं और ये प्रोग्राम भी ऐसे ही था, ये सब बैठ के ऐसे बात कर रही थी। और उसके बाद लड़की के लिए जो जो सब लड़का का तरफ से लेकर आया था साड़ी वगैरह जो कुछ भी है वो सब उसको प्रेजेंट किया। तो ये मैंने थोड़ा वीडियो कैच कर ली। और उसी टाइम बिजली नहीं था, करंट नहीं था, रूम के अंदर बहुत अंधेर ही था इसलिए थोड़ा अंधेर अंधेर लग रही है। रूम के अंदर बहुत गर्मी हो रही थी ना, बिजली नहीं था इसलिए हम लोग बाहर लेकर गई थी मेकअप करने के लिए। हमारी मेहंदी वाला साड़ी थी, मेहंदी से जो मेहंदी लगाने के टाइम जो साड़ी पहने का वो था। तो हम अभी उसको चर्च में हमारी शादी होती ना, तो चर्च में शादी करने के लिए जैसे प्रिपरेशन करती है कि दुल्हन को, ऐसे हम अभी सजावट कर रही है उसको। और सजाने के बाद हम लोग लेकर जाएंगे चर्च, चर्च में हमारा शादी होगा। और उसमें चर्च में हमारी शादी के टाइम सब व्हाइट पहना है, व्हाइट कलर का साड़ी हो, फ्रॉक हो, जो भी आपका पहना है लेकिन उसमें व्हाइट होना ज़रूरी है। इसलिए ये हमारी व्हाइट वाला फ्रॉक था, तो उसी लेवल से ये सब कुछ मैचिंग करके ही पहना है। और ऐसे ही हम लोग भी सब कुछ उसको ऐसे ही सजावट की, जो व्हाइट का था उसी लेवल से सब कुछ हम व्हाइट ही लेकर आए था बाहर से, उसी लेवल से उसको मैं सजावट किया जो आप लोग को मैंने ये सब शेयर की थी पहले से ही। और उसके बाद हम पूरा सजावट करने के बाद उसको लेना है चर्च, चर्च में हमारा रजिस्टर होगा मैरिज, उसमें शादी होगा हमारे चर्च में। ये लोग देखा आप लोग ने, बहुत सुंदर से उसको सजावट किया है व्हाइट लेवल से सब कुछ, स्टार वगैरह और चूड़िया गहना सब कुछ और मुकुट ये सब कुछ व्हाइट का ही था, व्हाइट लेवल से सजावट कर ली। उसके बाद हमको जाना है चर्च। कि फ्रेंड लोग जो भी थी सब लोग उसको मिलके ऐसे सजावट कर रही थी। ये बाहर थोड़ा मेकअप कर रहा था, रूम के अंदर बिजली नहीं था इसलिए बहुत गर्मी ही था। तो बहुत भी अच्छा लगा देखने के लिए क्योंकि व्हाइट व्हाइट में सब कुछ व्हाइट था,
तो बहुत अच्छा लग रही थी देखने के लिए थोड़ा। और ये गांव का लड़की लोग सब है ना हमारा गांव में, हम आप लोग शहर में शादी का टाइम सब पार्लर फार्लर जाके मेकअप होते हैं, हमारे गांव में ऐसे नहीं है, हम मेकअप नहीं जाते, जो होता है नेचुरी होता है, नेचुरी लेवल से हम तो मेकअप करने के लिए नहीं जाते। और ऑलरेडी उसको तो सजावट कर दिया, ऑलरेडी मेकअप कर दिया हमने, घर में से जो भी खरीद लिया था उसमें से हम लोग सजावट कर ली। तो अभी जाना है चर्च, लेकिन मेरी फ़ोन का चार्ज नहीं था इसलिए मैं चर्च का अंदर वाला वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ कैसे शादी हुआ कैसे नहीं, वो मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ सॉरी। लेकिन मैं कलेक्शन करके नेक्स्ट टाइम वो वीडियो में आप लोग को शेयर करूँगी, और जो दूसरे लोग बनाया होगा ना उसमें से मैंने कलेक्शन करके आप लोग को शेयर करूँगी। ये ऑलरेडी सजावट हो गया, उसके बाद हम लेकर जाएंगे चर्च, चर्च के शादी करने का बाद फिर वापस आएंगे, फिर दूल्हा जो लेकर आया था साड़ी फाड़ी जो भी है वो लोग खुद का बहू को वो लोग पहनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अभी चर्च, ये गांव है, छोटा सा गांव है, जंगल का गांव है, गांव का लोग सब ऐसे हैं आप लोग देख सकते हैं, विलेज लाइफस्टाइल कुछ अलग है विलेज का, फिर हमारी आदिवासी लाइफस्टाइल तो बहुत कुछ अलग है आप लोग को मालूम है। और इतना ज़्यादा भी वो ऐसे आइटम करने के लिए नहीं है मेरे पास, इतना नहीं था ऐसे, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, सब मिल के मामा लोग आंटी लोग ये सब लोग हम मिल के, उसका मम्मी ऐसे सब कुछ लोग मिल के हम लोग ने ये सब प्लानिंग बनाया था शादी के लिए। हमारे से जैसे हुआ ऐसे थोड़ा बहुत शादी के लिए प्रिपेयर किया, बाहर इतना हम सजावट नहीं किए, बाहर थोड़ा बहुत। मेरी चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको प्लीज़ एक लाइक एंड कॉमेंट और ये था साड़ी, जो साड़ी दुल्हा ने लेकर आया था दुल्हन के लिए पहनने के लिए, बस ये साड़ी था वो लोग का और कुछ नहीं है, वो लोग बस साड़ी और लेकर आया था। और ये आप लोग देखा ना क्वीन टाइप का ये जो सिर में लगाया वो सब, ये सब व्हाइट व्हाइट जितना भी देख रही है हमारे, ये सब सिल्वर से होता है, रूपा से बनाते हैं ये सब, और सिल्वर से वो मुकुट बनाया था, मतलब उसका मम्मी का था पहले वाला, सब ऐसे शादी में यूज कर रहे थे ना, पहन रहे थे ना, तो मुकुट और वो बैक में जितना व्हाइट वाला रिंग टाइप सब था वो सिल्वर का था, मम्मी का था इसलिए वो उसका सब पहनने के लिए दिया। और ये सब उसका ट्यूशन बच्चे लोग था, तो दीदी का शादी हो रही थी, ट्यूशन बच्चे लोग सब देख के थोड़ा स्माइल स्माइल कर रहे थे, बच्चे लोग सब उसके पास था, स्माइल नहीं था, बहुत दुखी थे बच्चे लोग सब, आप लोग देख सकते हैं ना उसका मुँह में स्माइल नहीं था, मैं बहुत बता रही थी थोड़ा स्माइल करो लेकिन वो लोग स्माइल ही नहीं कर रही थी। सेल्फी लेने से बहुत ये मामा, उसका मामा लोग का बेटी लोग थे, सिस्टर लोग थे, और ये लोग सब सेल्फी लेने से दीदी थोड़ा बहुत कुछ शादी का बाद दोनों को चोट ले चोट से अंदर लेकर आने का बाद थोड़ा बाहर से बिठाया, ये सब बेटी लोग सिस्टर लोग वैसे सब चालू कर दिया सब लोग, और मस्ती मुझे ऐसे थोड़ा बहुत कुछ था, थोड़ा बहुत ऐसे।
हमारी गांव में शादी जब होगा, लड़का लड़की मतलब दूल्हा दुल्हन जब शादी करके आने का बाद बड़े लोग को रेस्पेक्ट से मुंडिया मारते ना, नमस्कार करते ना, उसी टाइम वो लोग खुशी से ऐसे सिर में सब मणि लगा देते, पैसा लगा देते। तो दूल्हा को ऐसे ही लगा रही थी मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी लोग ऐसे सब दूल्हा को लगा रही थी। थोड़ा ऐसे डांस व्यांस वगैरह हुआ और ओरिजिनल म्यूजिक मैंने ऑफ ही करके रखी हूँ। और ये दुल्हन तो हमारा कुछ नहीं खाते ना, शादी का बाद ही खाएगा ऐसे सोच के, पानी भी नहीं पीते हैं, उपवास में रहते हैं। तो ऐसे ही था, लेकिन शादी के बाद वो लोग फर्स्ट टाइम थोड़ा उसको खाना दे रही थी। और ये लास्ट टाइम था, कोई कोई उसको उससे मिल के जा रही थी, मेरी छोटी बहन लोग थी तो लोग मिल के जा रही थी, अरे करके जा रही थी। ये खाना पीना हमारा बना हुआ था, ये खाना बहुत लोग था, मैंने ये आगे वीडियो में आप लोग देखा होगा। तो खाना बना था दाल चावल मटन चिकन, और हमारी जंगल में एक मिलती है जंगल की, वो बनाया था, वो चार ले गया था मटन, टू बड़ा 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 गोट को काटा था, टू मटन, और चिकन तो 3 क्विंटल जैसे इतना लिया था। और उसके बाद जो लोग नहीं खाएगा इसलिए वो लोग को अंडा का एक का तड़का बनाया था, वो भी बनाया था तड़का, अंडा का तड़का, ऐसे थोड़ा बहुत आइटम हुआ था, चिकन मटन एग। उसके बाद और जंगल पीक का चिकन ऐसे ये गांव में खाते हो, बहुत महंगा रहता है गांव का टाइप में, बरहा बोलते हैं ना उसको, वो चीज़ लेकर आया था। और ये ऐसे हमारी पार्टी था, अगली जो पार्ट बाकी है मैं अगली टाइम में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो कोई भी नहीं देखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल माई फ्रेंड्स, टेक केयर, और विश मोर टाइम के लिए ध्यान रखो। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओगे। प्लीज़ ऑल माई फ्रेंड्स ब्लेसिंग माई डॉटर, एंड प्लीज़ आप लोग मेरी क्यूट हार्ट को ब्लेस कर दो, और लोग का न्यू लाइफ के लिए भी दुआ कर दो। और मैं अगली टाइम में मैं आप लोग को शेयर करूँगी पूरा वीडियो, आप लोगों को कैसे लगा वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।